हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में होने वाले सारे मैचेस और उनके फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं। एक है अंकित, जो कि बहुत एक जीलस क्रिकेट सपोर्टर है, और यजाद, जो कि एक एविड क्रिकेट फॉलोअर है। तो इन दोनों के साथ आज हम इन्हीं मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 25 अप्रैल को चालू हुआ था, वो 7 मई तक के सारे मैचेस चलेंगे। तो फॉर्मेट के हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 10 टीम्स हैं, जो दो टीम्स में उनको बांटा गया है, तो वो ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड और स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी में UAE, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे हैं। इनमें से इन्हीं में से दो टीम्स टॉप में जाएंगी, फिर उनको उनके बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा, फिर उन्हीं में से फाइनल के लिए वो क्वालिफाई करेंगी, जो आगे जाके अपकमिंग टी20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होने वाला है उसमें वो दो टीम्स जाएंगी। तो फिफ्थ मैच की बात की जाए तो ग्रुप बी के दो टीम्स वनुआटू और नेदरलैंड्स के बीच है। ये मैच 4:30 को टॉलरेंस ओवल में खेला जाएगा। तो अब अगर इन दो टीम्स की बात की जाए तो वनुआटू अपना एक मैच खेल चुकी है, उन्होंने अभी जिम्बाब्वे को ऑल आउट किया, उन्होंने इस में अपनी मेडन विक्ट्री रजिस्टर करी है। ये उनका पहला इवन आईसीसी क्वालिफाइड टूर्नामेंट रहा है, जिसमें उन्होंने 16.3 ओवर्स में 62 का टारगेट चेस कर लिया था। तो इस बारे में यजाद, आपके क्या कहने होंगे बिल्कुल एक काफी बड़ी विक्ट्री हासिल की है यहाँ पर वनुआटू ने। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द विक्ट्री की बात की जाए तो वो जिम्बाब्वे को हराया था उन्होंने वो गेम में, हालांकि वो अपने दोनों जो वार्म अप गेम्स थे वो हारे थे अगेंस्ट श्रीलंका एंड युगांडा, बट जिम्बाब्वे को हरा कर वो लोग ने वो एक कमबैक किया है। दे हैव गॉट देमसेल्फ्स बैक इनटू फॉर्म और एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए उनकी। या अब उनके लास्ट मैच में अगर की परफॉर्मेंस देखें तो नसीमा नवाइका जो है उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे और 21 रन भी बनाए थे अपनी टीम के लिए, इसलिए वो उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया था, और उनका साथ वेनेसा वेरा ने दिया था 3 विकेट्स लेके। तो अंकित, आपका इस दो की प्लेयर्स पे क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा वनुआटू की बात करें तो, बिकॉज ये ग्रुप स्टेजेस है एंड इनमें से रैंकिंग्स बहुत मैटर करती है कि भले आपने मैच जीता हो लेकिन एट टाइम्स होता है कि आप आपका जो नेट रन रेट है उसे बूस्ट करना चाहते हो, और खास करके पहले इनिशियल मैचेस से ही, एंड वो नजर आए हमें 61 रन पे ऑल आउट कर दिया। तारीफ करनी पड़ेगी स्पिनर्स पे, यस पिचेस थोड़े डस्टी लगे मुझे, बट यू हैव टू बॉल वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको फेवर भी कर सकता है, एंड वो डिसिप्लिन हमें नजर आया, अनुशासन वनुआटू की गेंदबाजी में, एंड चेस करना आई थिंक इट वॉज अ वेरी बहुत आसान लगा बिकॉज 62 रन बहुत कम होते इस टी20 फॉर्मेट में, तो उस लिहाज से बहुत कंफर्टेबल विन और एक बहुत अच्छी शुरुआत, शुभ शुरुआत बोल सकते हैं वनुआटू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल, अब ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि नेदरलैंड्स और वनुआटू का जो आगे मैच होगा उसमें भी वो अपना मोमेंटम बनाए रखें। तो अगर इन दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो वनुआटू का तो हमने काफी डिस्कस किया, बट इनका लास्ट 10 अगर रिकॉर्ड रहा है तो इन्होंने 8 विक्ट्रीज दर्ज करी हैं, और नेदरलैंड्स की बात करें तो उन्होंने बराबरी में उन्होंने 5 जीत हासिल करी है और 5 बार वो हारे हैं। तो इन दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में इन दोनों की आपसी इस मैच में या साथ आपका क्या कहना होगा, इस बार कौन बेटर निकल सकता है? बिल्कुल, अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो ये दोनों टीम्स का आपस में तो मुकाबला नहीं हुआ है, बिकॉज जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ये वनुआटू का पहला ऑफिशियल और क्वालिफायर टूर्नामेंट है, तो उनकी हेड टू हेड मुकाबला नहीं है उनका नेदरलैंड्स के साथ, बट अच्छे फॉर्म में रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि पिछले 10 मुकाबले में 8 जीत हासिल की है, जिसमें से एक जिम्बाब्वे जैसी काफी बड़ी टीम के अगेंस्ट है, हालांकि जिम्बाब्वे उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है, बट वो एक काफी अच्छी जीत रहेगी वनुआटू के लिए आगे चलते हुए। बट अगर नेदरलैंड्स की बात की जाए तो थोड़ा डिप इन फॉर्म रहा है उनका रिसेंटली, बट दे आर अ वेरी कैपेबल टीम, वी हैव सीन देयर प्लेयर्स परफॉर्म सो वेल
यू नो ओवर द इयर्स, तो आई थिंक एक कमबैक करने का स्कोप रहेगा नेदरलैंड्स के पास टू टर्न थिंग अराउंड एंड यू नो गेट दैट फर्स्ट विक्ट्री अंडर देयर बेल्ट. एंड आई थिंक Vanuatu will not be that big a challenge to the Netherlands. Halaki, they have been good lately, Vanuatu, but I think Netherlands should have this covered. जी बिल्कुल, वो तो अब समय बताएगा कि इन दोनों के बीच में कौन विजेता निकलता है. अब अगर टीम्स की बात करी है तो उनके की प्लेयर्स की भी बात करते हैं. तो नसीमा नवाइका का हमने अभी देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेयर ऑफ द मैच जीता भी और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो आगे वाले मैच में भी की प्लेयर हो सकती हैं. उनका अगर 2023 से रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 14 मैच में 224 रन्स बनाए, 18 विकेट भी साथ में लिए हैं. तो अंकित, नवाइका एज अ की प्लेयर, क्या वो इस मैच में भी वैसा ही परफॉर्मेंस दे पाएंगे जैसा उन्होंने फर्स्ट मैच में दिया था? Definitely, because firstly तो हमें इस फॉर्मेट में खास करके ऑलराउंडर्स बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज टीम चाहती है कि स्पेसिफाइड बैटर्स और बॉलर्स की तरफ निगाह हो, लेकिन इनकी काबिलियत की तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज लेग स्पिनर वो भी ऑलराउंडर बहुत कम होते हैं ऐसे क्रिकेट की बात करें तो, लेकिन योगदान रहेगा बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी आ जाती है इनकी, एंड टीम के जो मैचेस है उस लिहाज से आसान मैचेस नहीं होंगे, एंड इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि Vanuatu का रिजल्ट कैसा आता है आने वाले मैचेस में. इसलिए मेरे हिसाब से ये एक और प्लेयर है. पिछले वाले मैच में रन्स क्योंकि कम थे तो इन्होंने भी मात्र 31 रन बनाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बैटिंग पहले भी आती है तो हो सकता है हमें वो जो बड़ी इनिंग्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बैटर से, बड़े प्लेयर से, वो हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ मैचेस में. जी, और इनका ये जो बेस्ट फिगर था 4 विकेट्स 13 रन दे के जो उन्होंने हासिल किए थे, ये इनका एक लाइफ टाइम रिकॉर्ड भी है. इनका ये 4 विकेट्स 13 रन्स का इनका हाईएस्ट इनका बेस्ट फिगर रहा है बॉलिंग में, जो इन्होंने पिछले जिम्बाब्वे वाले मैच में हासिल किया था. अब नेदरलैंड्स के की प्लेयर की बात करें तो इरिस विलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. उनका रिकॉर्ड देखें तो 2023 से 16 मैचेस खेले हैं उन्होंने और उन्होंने 311 रन बनाए हैं 18 विकेट के साथ. तो यह सर, इरिस एज अ की प्लेयर फॉर नेदरलैंड्स, आपका ओपिनियन क्या रहेगा उन पर? बिल्कुल, एक क्रूशियल प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, यूजुअली बैटिंग करती है नंबर 4 या नंबर 5 पे आती है बल्लेबाजी करने के लिए, बट अगर आपने वार्म अप मैचेस देखे हो विच वर प्लेड अहेड ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्हें ओपनिंग में ट्राई किया गया था बैटिंग में, और दूसरे मैच में जो थाईलैंड के अगेंस्ट था शी वॉज बैटिंग एट अर नेचुरल पोजिशन विच वॉज एट नंबर 5. तो थोड़ा चॉपिंग एंड चेंजिंग हुआ है नेदरलैंड्स के साइड में, बट वी कैन सी हर बैटिंग आई थिंक इन द मिडिल ऑर्डर विच सूट्स हर द बेस्ट, और उनका बेस्ट टीम के लिए भी बेटर रहेगा बिकॉज we know how capable a player she is, not only with the bat as well with the ball, aur wo thoda changes ke wajah se I think unhe wo stability nahi mili hai jaisa ki humne warm up matches mein dekha. Unhone ek match mein wo first ball duck pe out hui thi I think against Sri Lanka, aur agar Thailand ke samne baat ki jaye to keval 2 run banaye the. So I think her going back to her natural position at the middle of the order will not only just help her but I think it will cause betterment within the team as well. लेट्स सी कि ये की प्लेयर्स कितना अपने टीम के लिए बेटरमेंट ला पाते हैं जैसा कि आपने अभी बोला, और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो अब की प्लेयर्स की बात करी है तो थोड़ा की मैचअप्स पे नजर डालते हैं. तो स्टेर कैलस जो कि नेदरलैंड्स की प्लेयर हैं, जिनका औसतन स्कोर 37 के करीब रहता है, बट जब वो पेस के खिलाफ अपना प्रदर्शन करती है तो वो 19 पर गिर जाता है. 37 से 29 पे आना, अंकित, ये मतलब वो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकती है, आपका इस पे क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, वैसे तो ये आती है यूरोप से, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेसर्स को अच्छे से ये खेले, लेकिन क्योंकि अभी जो पिचेस भी है ना थोड़ी डस्टी टाइप है, एंड मेरे हिसाब से पेसर्स से ज्यादा ये जो मीडियम पेसर्स होंगे ना, जो शायद मैं देख रहा हूँ Vanuatu के पास है, खास करके उनके ऑलराउंड सेटिंग नजर हो सकती है, बिकॉज जहाँ पे आपके लाइक काइंड ऑफ स्लोइस्ट डिलीवरीज हो सकते हैं या फिर बैक ऑफ द हैंड कटर बॉल्स, ऐसे बॉल्स भी खास करके ये बहुत किफायती हो सकते हैं एज अ बॉलर, और खास करके मेरे हिसाब से ये जो स्लोनेस ऑफ द पिच है ये शायद बहुत सारे जो यूरोप कंट्रीज आई थिंक वो पसंद नहीं करेंगे. मेरे हिसाब से एशियन बैटर स्टिल दे कैन फाइंड अ बेटर वे टू टैकल, बट मुश्किल होगी, एंड इसीलिए मेरे हिसाब से ये जो मीडियम पेसर्स है Vanuatu के पास आई थिंक वो चाहेंगे कि वो एक अटैकिंग ऑप्शन हो सकता है उनके खिलाफ.
जी अब नेक्स्ट प्लेयर अगर वनुआटू की देखें तो रेचल एंड्रियो जो है जिनका औसतन स्कोर 25 के करीब रहता है पर पेस के खिलाफ वो लगभग 15 गिर जाता है, तो यजात उनको ये चीज को कैसे वो आगे निकल सकती है, पेस बॉलर्स जैसे हैं काफी नेदरलैंड्स में, तो उस चीज को वो कैसे ओवरकम करके अपने लिए रन्स बना सकती हैं? बिल्कुल, अगर आप नेदरलैंड्स का बॉलिंग अटैक देखोगे तो आपको काफ़ी मीडियम पेसर्स मिलेंगे। हीथ सीजर्स है जैसे कि उनकी कप्तान है वो, हालांकि इतना इतना फ्रीक्वेंटली बॉलिंग नहीं डालती है, ओकेजनली शी डज बॉल द मीडियम पेस। बट या आयरिस बिलिंग है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, उन्हें की प्लेयर्स में फिर फ्रेडरिक ओवरजाइक है और हैना लेंथर है, तो ये एक काफी फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है। आप इफ यू यू नो सी इट एट द क्वालिफायर्स के लेवल से आप अगर देखो तो आई थिंक शी डेफिनेटली हैज हर टास्क कट आउट फॉर हर सेल्फ, और आई थिंक इनिशियली इफ शी टेक्स हर टाइम अगेंस्ट द पेसर्स, आई थिंक वन शी इज एडजस्टेड टू द पेस ऑफ द सर्फेस, टू द यू नो द मूवमेंट ऑफ द सर्फेस, आई थिंक शी शुड बी एबल टू काउंटर अटैक अगेंस्ट देम। जी अब बढ़ते हैं अपनी फैंटेसी 11 की ओर, तो एक बार देखते हैं फैंटेसी टीम वनुआटू और नेदरलैंड्स की। तो पहले बात करते हैं बैटर्स और विकेट कीपर्स की। सो यस, अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो मैंने मेरे हिसाब से आई थिंक आप नेदरलैंड्स के कीपर के साथ जा सकते हो, डी लीडे जो है और खास करके बैटिंग फर्स्ट है, तो मेरे हिसाब से दैट वोंट मेक अ डिफरेंस, बट उम्मीद करते हो कि इनिशियली बैट अच्छा बॉल अच्छे से आएगा बैट पे, तो वो एक ऑप्शन है। उसके बाद एक और हम बैटर देख सकते हैं जो है स्टेरी कैलिस नेदरलैंड्स की, तो वो भी लगभग टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट में सबकी बैटिंग आज ही जाएगी बिकॉज बॉलर्स का दबदबा रहने वाला है, तो वो भी उतनी ही अच्छी चॉइस। और एक आप वनुआटू से जा सकते हैं, वो है लांगेटो, उनकी तरफ आपकी निगाह होगी बिकॉज उनकी भी बैटिंग अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से ये तीन बैटर्स होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में अगर इस मैच की बात करी जाए। अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने 5 ऑलराउंडर्स लिए हैं, जिसमें से 2 मैंने नेदरलैंड से लिए हैं और 3 वनुआटू से लिए हैं। तो ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो मैंने रॉबिन राइश को लिया है, उन्हें मैंने अपना वाइस कैप्टन भी बनाया है। फिर अगर नेक्स्ट प्लेयर की बात की जाए तो मैंने जैसा कि हमारी की प्लेयर रही है आयरिस वाइलिंग, उन्हें लिया है और उन्हें कैप्टन भी बनाया है टीम का। और अगर वनुआटू की बात की जाए तो सलमान, रेचल एंड्रयू और नवाई को लिया है मैंने इस टीम के में हमारे ऑलराउंडर्स के तरीके से। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो विकी मंसाले राइट आर्म पेसर है, तो उनको मैंने लिया है वनुआटू से। वेनेसा वेरा वो भी एक पेसर है, उनको मैंने लिया है वनुआटू से। और नेदरलैंड्स की एक लेग ब्रेक बॉलर जो है कैरोलिन दे लांगे, इनको लिया है। ये तीनों बहुत अच्छे अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर सकती हैं एंड विकेट्स ले सकती हैं। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिडिक्शंस के बारे में। तो अंकित, आपका क्या विचार रहेगा कि दोनों में से कौन इस मुकाबले में उभर के आएगा? देखिए, मेरा मानना है ये मैच तो क्लोज होगा बिकॉज जो टीम जीत के आ रही है उनका एक कॉन्फिडेंस बहुत आया होगा, और खास करके सामने वाली टीम को अगर आपने 61 पे आउट किया हो पहले मैच में, बॉलिंग टीम अगर कॉन्फिडेंस के साथ आई हो तो पूरा ग्रुप जो होता है ना, आई थिंक दे हैव दैट मॉरल कॉन्फिडेंस विद इन द टीम, तो वो रहेगा। बट नेदरलैंड्स लाइक उनको रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल है, मेरे हिसाब से नेदरलैंड्स बाजी मार जाएगा, लाइक दे विल गेट ऑफ द मार्क विद इन अ स्टाइल। जी, पॉइंट्स तो आपके भी सही है कि हाँ नेदरलैंड्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड हो सकता है। तो यजाद, आपका भी क्या सेम ओपिनियन है या फिर आप अभी जो हमारे राइजिंग स्टार्स वनुआटू हैं जो इस टूर्नामेंट के? नो, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि नेदरलैंड्स विल स्टार्ट ऑफ द मैचेस फेवरेट्स, बट कंसीडरिंग द फॉर्म दैट वनुआटू आर इन, दैट दे हैव कम स्लेइंग समवन लाइक जिम्बाब्वे इन द फर्स्ट गेम, I think the possibility of them winning this encounter cannot be ruled out. Irrespective kitni achhi team hai Netherlands, I think like we've discussed over and over again, cricket is a game on who's better that day. I mean, everyone puts in those hard yards, but who turns up on that day is more important. So I think, however, Netherlands start off as favorites, but Vanuatu cannot be ruled out.
तो अब मैं अपने इवन गेस्ट और मतलब गेस्ट ने तो बता दिया, मैं अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं कि उनके हिसाब से वनुआटू और नेदरलैंड्स में कौन विजेता हो सकता है। आपको मतलब और भी प्लेयर्स के बारे में भी अगर जानना है तो हमारा वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज आप उस पे चेक कर सकते हैं ताकि आपको और प्लेयर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सभी मैचेस कवर करेंगे, तो प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।